अगर उसको संभालना आपके लिए मुश्किल बन जाए तो फिर वो गिफ्ट रहती नहीं है। औलाद की तरबियत बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर ये बहुत मुश्किल होती इसका मतलब फिर ये गिफ्ट नहीं है, ये तो टेंशन अल्लाह ने दे दी आपको। और अल्लाह कुरान में औलाद को टेंशन कहता है या गिफ्ट कहता है? बोलो ना, गिफ्ट। यहबुली मैं यशाउ इनासा, अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट देता हूं। देखो एक गिफ्ट होता है, आपको किसी ने मिठाई का डब्बा लाके दे दिया, थोड़ा सा तो उसको भी संभालना पड़ता है, फ्रिज में रख दो खराब ना हो जाए। हर गिफ्ट को थोड़ा सा तो संभालना, ये जो बच्चे बिगड़ते हैं ना उनके अक्सर बिगड़ते हैं जो थोड़ा सा भी नहीं संभाल रहे होते। चर्सियों में बैठ रहे हैं, हीरोइंस में बैठ रहे हैं, उनको फिगर ही नहीं है, टाइम ही नहीं दे रहे बिल्कुल उनको, या बदतमीजी से उनसे बात करते हैं उनके अखलाक खराब कर दिए। बाज दफा माँ बाप अपने बच्चों से भी कभी तमीज से बात नहीं कर रहे, तो हर दफा तंज वाला लहजा होता है, बिगाड़ते हैं बाकायदा। अब मुझे बताओ मिठाई का डब्बा कोई गिफ्ट देके गया आपको तो उसको थोड़ा सा तो संभालना पड़ेगा आपको, यार फ्रिज में रख दो एक हफ्ते के अंदर अंदर खा लो, यही होगा ना। और जरा टाइम पे खाओ, ऐसा ना हो कि 6 लड्डू खा लिया आपने एकदम शुगर हाई हो गई, ये पेट खराब हो गया, एक खा लो दो खा लो। हर गिफ्ट को थोड़ा सा संभालना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा संभालना पड़ जाए तो वो गिफ्ट नहीं रहता, वो टेंशन है। मिसाल के तौर पर मिठाई के बजाय कोई ग्रेनेड गिफ्ट में देके चला गया, डब्बा खोला तो 6 ग्रेनेड है उसमें पिन निकली हुई है और कह रहे ये जरूरत पड़ने पे आपके काम आएगा, कभी दुश्मन से मुकाबला हुआ। आप कहोगे मेरे काम बाद में आएगा, ये मुझ पे पहले फटेगा। फौरन आप रابطे कर रहे हो क्योंकि माहिरी ने ग्रेनेड याद से, अबे भाई ये फट ना जाए, कोई बच्चा ना उठा के फेंक दे, यार क्या करना है, ये गिफ्ट है, ये तो अजाब बना दिया मेरे लिए। मिसाल के तौर पर और आसान, एक साहब मुझे बकरी का बच्चा गिफ्ट देके चले गए, बकरी का बच्चा तो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, मोशन लगे हुए हैं उसको, मैं उसको खिला रहा हूं वो क्या होती है ब्रूफ, वो नहीं होती यार अबे वो मोशन की मशहूर दवा है नाम फ्लैजिल, मैं उसको फ्लैजिल खिला रहा हूं, फिर एंटीबायोटिक खिला रहा हूं, उसके दस्ती ठीक नहीं हो रहे, फिर दस्त ठीक हुए तो पता चला लंगड़ा रहा है थोड़ा सा, फिर वो एक डॉक्टर को बुलाया, 2-4 दफा मैंने कहा भाई या तो किसी को गिफ्ट दे दे या इसको जबा करके खा जाओ। मैंने कहा अपने बच्चे पालना इतनी बड़ी टेंशन नहीं है जितना ये, उस बेचारे की नीयत नहीं थी ऐसी, वो तो हमारे पास हो सकता है आगे बीमार हो गया हो या पहले से बीमार हो वल्लाह आलम, लेकिन उस गिफ्ट को जो अब मैं उसके लिए ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहा हूँ कि एक्चुअली बच्चों बकरी के गिफ्ट कैसे, मैं यूट्यूब पे सर्च भी कर रहा था कि बकरी के बच्चे को मोशन लगे तो क्या करना है, तो मैं अब फिर माहिरे जो डॉक्टर्स वहां से आए हैं उनसे मैं गाइडेंस ले रहा हूं कि जी ये बच्चे में बीमारी हो जाए तो कैसे, इसका मतलब भाई ये बच्चा गिफ्ट नहीं है, ये अजाबे जान है, ये किसी ने अपनी टेंशन आपको पहनाई है। बात ये होता है कि गिफ्ट का लेबल होता है लेकिन टेंशन आपको बोलो पहनाई जा रही होती है। यार मुफ्ती साहब को शौक है ये बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर पढ़ के, तो अल्लाह ताला ने औलाद को गिफ्ट करार दिया है। क्या करार दिया है? इसकी तरबियत को बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, वरना ये गिफ्ट नहीं है, ये अजाबे जान है। तभी तो इन लोगों ने रॉकेट साइंस रखा हुआ है उसकी तरबियत में ना, तभी इनके 2-2 होते हैं, 2-3 के बहुत मुश्किल काम है उसको, बहुत ज्यादा मुश्किल है, तभी औलाद को बोझ भी समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंद चीजें हैं बच्चे की तरबियत में, वो कर लो फिर गालिब यही है कि इंशाल्लाह नेक बच्चा बनेगा, फिर भी बिगड़ जाए तो वो तो 100% तो भाई गारंटी किसी की भी नहीं होती। नूह अलैहि सलाम का बच्चा भी तो बिगड़ गया था ना। चंद चीजें हैं, चंद चीजें क्या है, बच्चे को बुरे माहौल में बैठने बोलो बोल लो ना यार, उसकी दोस्तियां मत खराब, और दोस्तियां ज्यादा खराब होती है स्कूलों में, बाज दफा अच्छे स्कूल में बच्चा बिगड़ गया। याद रखो स्कूलों का सिस्टम ना होता ना तो सब नेक होते, ये तो मैं लिख के दे दूंगा। स्कूल और कॉलेजेस अगर ना होते तो हम एजुकेशन हासिल करते ना करते, ठीक है एजुकेशन में भी, लेकिन नेक सब होते हैं, ज़हन में रखना। हमारे स्कूलिंग सिस्टम और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का जो सिस्टम चल रहा है ना वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम है। तो बच्चों की तरबियत का मसला भी इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए, वरना ये नेमत नहीं है ये क्या। तभी तो इन सेक्युलर लोगों के 2-3 के एक्चुअली पालना बहुत मुश्किल, एक्चुअली सिर्फ बच्चे पैदा ही नहीं करने होते,
एक्चुअली एक एक बच्चे को वो चाहिए, वो क्या कहते हैं, हमें तो वो भी नहीं पता क्या चाहिए। हर बच्चे को आपकी जो है ना तवज्जो चाहिए, तवज्जो, इतनी फुल तवज्जो देके भी वो अजीब सा मम्मी डैडी सा बन रहा होता है। तवज्जो चाहिए हम भी मानते हैं, लेकिन इसकी तवज्जो चाहिए पता है, जितनी माँ बाप की तवज्जो चाहिए उतनी ही बहन भाइयों की तवज्जो चाहिए उसको, जो कसरत से हो खेलने कूदने के लिए। बच्चे को अगर बहन भाई नहीं मिलेंगे वो गली महल्ले के बच्चों के साथ खेल के सुधरेगा नहीं बल्कि बिगड़ेगा, बिगड़ेगा। बहन भाइयों में अल्लाह ने ये जज्बा रखा है, खुद जितने बिगड़े हुए हों कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बहन भाई भी खराब हो जाएं। दोस्तों में अल्लाह ने ये जज्बा रखा है, अगर एक चर्स पीता है वो चाहेगा मेरा दोस्त भी चर्स पिए, ये फर्क है। और बच्चे को बच्चे तो चाहिए लाजमी, वरना वो मेंटली ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको बहन भाई नहीं देंगे आपस में खेल कूद के लिए तो वो कहां दोस्तियां लगाएगा, वो महल्ले पड़ोसों में दोस्तियां लगाएगा, वो कजनों कजन भी खराब करते हैं, उनमें भी वो बात नहीं होती जो सगे बहन भाइयों में होती है। बाज दफा होमोसेक्सुअलिटी में कजन की वजह से लड़का मुब्तला हो जाता है, कजन खराब करता है अपने कजन को क्योंकि महरम रिश्ता नहीं है, समझते हो कि नहीं समझते। फिर भी कजन बाहर से बहरहाल बेहतर होते हैं। कजन मैरिज क्यों जायज है, इसलिए कि नामहरम है वो। खुद लड़की अगर है तो उसको भी तो अपने कजन से बचाना होता है, बाज दफा वो उसको गलत इस्तेमाल कर सकता है। सबसे मुकद्दस रिश्ता है लड़के और बच्चे और बच्ची के लिए उसके बहन भाई, वही आपने शॉर्ट कर दिए, तो क्या बच्चे को बच्चे की जरूरत खत्म कर दोगे आप, उसकी फितरत चेंज कर दोगे? ना ना ना, बच्चा इस फितरत को लेके आया है कि उसको बच्चे चाहिए, वो नेचर खत्म नहीं कर सकते आप। बहन भाई आपने कंट्रोल करके दो कर दिए एक कर दिया तो नतीजा क्या निकलेगा, वो अपनी प्यास कहां से बुझाएगा, अड़ोस पड़ोस के लौंडे लपाड़ों से, जिनमें एक भी खराब होगा तो आपके बच्चे को खराब करने की बोलो कोशिश करेगा। और आगे जो साइड इफेक्ट है बुढ़ापा में, जो बर्बादियां, ना बहुएं होंगी ना दामाद होंगे ना खानदान ही बर्बाद, तो आप तन्हाइयां तन्हाइयां तन्हाइयां, बच्चे मारते पीटते भी हैं एक दूसरे को, वो भी ठीक है, उनके लिए बर्दाश्त पैदा होती है। इकलौते को तो आप सारी उसकी चाहतें पूरी करोगे आप, तो लाड़ प्यार में बिगड़ेगा वो भाई। देखो फौज को तैयार किया जाता है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, तो फौजियों का मम्मी डैडी बनाया जाता है, हैं? ये ठुड्डे मारे जाते हैं। इससे मैं नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को ठुड्डे मारो आप, क्योंकि आप बॉर्डर पे लड़ने के लिए थोड़ी तैयार कर रहे हो उनको, लेकिन दुनिया में क्या हमेशा उसको फूल मिलेंगे, कांटे उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, तो उन कांटों के लिए क्या ट्रेनिंग की है आपने? क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स जिसकी सारी चाहतें पूरी हो रही हो, बोलो ना। मुफ्ती साहब, तलाक के बाद इद्दत बीवी को बीवी ना हुई हो और शौहर निकाह कर ले तो क्या जायज होगा? अच्छा, बीवी की इद्दत पूरी नहीं हुई और शौहर ने दोबारा निकाह कर लिया, ये खूब समझ लें, जब मियां बीवी में डिवोर्स होती है तो औरत पाबंद होती है कि जब तक उसकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती वो कहीं और निकाह नहीं कर सकती। इद्दत का मतलब है अगर उसको मेंसेस आते हैं, हैज आता है, तो तीन मेंसेस आ जाएं, जब तक तीन मेंसेस नहीं आएंगे वो कहीं और इस्लाम में शादी नहीं कर सकती, शादी करेगी तो वो कलअदम होगी, जिना कहलाएगा वो। और अगर वो प्रेगनेंसी है उसको, तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता वो कहीं निकाह नहीं कर सकती, बच्चा पैदा होने से पहले कर ली वो निकाह भी क्या है, जिना है। और शौहर की अगर डेथ हुई है तो 4 महीने 10 दिन से पहले वो कहीं निकाह नहीं कर सकती। ये तो औरत का मसला है, मर्द का क्या है? तो खूब समझ लें, मर्द ने जब बीवी को तलाक दी तो जब तक औरत की इद्दत पूरी नहीं हो जाती, औरत बाज अहकाम में शौहर के निकाह ही में समझी जाती है, लिहाजा वो इस औरत की सगी बहन से उस दौरान निकाह बोलो नहीं कर सकती, क्योंकि दो बहनों को आप निकाह में जमा नहीं कर सकते। तो उसके लिए जरूरी है कि जिस लड़की को डिवोर्स हुई है वो इद्दत जब तक पूरी गुजरेगी नहीं उस वक्त तक उसकी बहन से निकाह नहीं हो सकता, कहीं और हो सकता है लेकिन उसकी बहन से निकाह
नहीं हो सकता, पूरी इद्दत पूरी हो जाएगी फिर बहन से निकाह हो सकता है, एक बात। दूसरी बात ये, एक औरत को मर्द ने डिवोर्स दी, इद्दत अभी पूरी नहीं हुई है, वो दूसरी शादी कर सकता है क्योंकि एक टाइम पे वो चार बीवियां रख सकता है। लेकिन अगर किसी की एट अ टाइम चार थी, अब उसने एक को डिवोर्स दी है, वो पांचवी शादी नहीं कर सकता जब तक कि इसकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि इद्दत में बाज अहकाम में ये यही समझा जाएगा इसकी मनकूहा है ये। अगर किसी की चार बीवियां थी इत्तिफाक से और ये जिंदा भी है अब तक, इसने एक को डिवोर्स दे दी, ये फौरन पांचवी शादी, यानी एट अ टाइम चार रख सकता है ना, ये नहीं रख सकता, क्योंकि ये चौथी रखेगा तो तीसरी भी इसके निकाह में, तो पांच हो जाएंगी और ये इस्लाम में क्या है, हराम है। अब लोग कहते हैं हमने भाई उसको छोड़ दिया है, तो छोड़ तो दिया लेकिन इद्दत जब तक पूरी नहीं होगी मुकम्मल छुट्टी नहीं है, ये भी बाज लोग कर रहे हैं, हमने देखा बाज। मैं जब मरूंगा तो चार को बेवा करके जाऊंगा मैं, बस ये मेरा एम है, अजम है, समझ रहे हो, चार बेवा होंगी, तीन हुई है, मेरी इंसल्ट है कि मैं मरा और मेरे निकाह में चार औरतें नहीं थी, ऐसी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मर्द के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव अल्लाह ने औरत को बनाया और बीवी को बनाया, ये एक हकीकत है जिसको कुरान ने भी बयान किया है। तो अल्लाह ने यह कहा कि नाजा